नाउ यू कैन सी दिस कि यहाँ पे एम्प्लॉय नंबर और उसका जो नाम है आप देख सकते हो. तो या ये जो है यहाँ पे जो डेटा हम देख रहे हैं दैट इज द सेल्फ ज्वाइन. सेल्फ ज्वाइन क्या है, यहाँ पे सिंगल टेबल ही हमने लिया था. दैट इज यहाँ पे आप देख सकते हो कि सिंगल टेबल क्या है हमारा एम्प्लॉय. एम्प्लॉय के दो एलियास बनाए मैंने, एम्प्लॉय ई और उसका मैनेजर नंबर. तो यहाँ पर आप दोनों टेबल से, हम एक सिंगल टेबल से ही दो डिफरेंट डेटा ले रहे हैं, एक तो एम्प्लॉय की इन्फॉर्मेशन और उसकी मैनेजर की इन्फॉर्मेशन. तो मैनेजर की इन्फॉर्मेशन भी आप देख सकते हो. तो दिस टाइप ऑफ द ज्वाइन इज कॉल्ड अ सेल्फ ज्वाइन. अब इसमें देखो ड्रॉबैक क्या दिख रहा है कि यहाँ पे 13 रोज दिखा रहा है. 13 रोज इसलिए दिखा रहा है क्योंकि जो किंग है, किंग यहाँ पर प्रेसिडेंट है और उस प्रेसिडेंट का कोई भी बॉस नहीं है. आई विल शो दैट. तो इस प्रेसिडेंट का कोई बॉस नहीं है तो दैट इज द रीजन यहाँ पे मैच नहीं हुआ. क्योंकि जो आपका इक्वी ज्वाइन है, नॉन इक्वी ज्वाइन और सेल्फ ज्वाइन है, ये ज्वाइनिंग कंडीशन पे डिपेंड है. ये देखिए ज्वाइनिंग कंडीशन क्या है यहाँ पर, ये तो ज्वाइनिंग कंडीशन की वजह से आई मीन देयर मस्ट बी सम कंडीशन. आई मीन मैनेजर नंबर उसके एम्प्लॉय नंबर के बराबर हो. तो यहाँ पर देखो एमजीआर नंबर जो है ई डॉट एमजीआर नंबर खाली है बट एम्प्लॉय नंबर है, इसका मैचिंग नहीं हुआ. मैचिंग नहीं हुआ तो जितनों का मैचिंग मिला उसने यहाँ पर दिखा दिया था. 13 रिकॉर्ड्स हमें मिले थे जबकि टोटल आपके पास 14 है. तो आई मीन आई विल रन दिस वंस अगेन तो यू विल गेट द आइडिया हियर. तो आप देख रहे हो कि बाय दिस मेथड यू आर गेटिंग ओनली 13 रिकॉर्ड्स ड्यू टू नॉन मैचिंग रिकॉर्ड. बट इफ यू वांट टू डिस्प्ले मैचिंग एज वेल एज नॉन मैचिंग रिकॉर्ड देन वी हैव टू यूज हियर द आउटर ज्वाइन. द नेक्स्ट वन इज हियर द आउटर ज्वाइन. आउटर ज्वाइन इज वॉट, इन तीनों के ऊपर ही हम यहां पर करते हैं. तो वेन वी नीड टू सेलेक्ट मैचिंग रिकॉर्ड एज वेल एज नॉन मैचिंग रिकॉर्ड फ्रॉम द टू टेबल्स फॉर द आउटर ज्वाइन वी नीड टू यूज द आउटर ज्वाइन ऑपरेटर. इन द ओल्डर वर्जन यू कैन यूज दिस प्लस ऑपरेटर. न्यूअर वर्जन में यहां पर कीवर्ड्स बन गए हैं. दैट मीन्स यहां पर देखो यही क्वेरी को मैं फिर से चलाऊंगी ये वाले से. अभी 13 रिकॉर्ड जो आ रहा है वो आप देख सकते हो यहाँ पे, अभी ये 14 रिकॉर्ड आने लगेगा. कारण क्या है कि यहाँ पर किस कहाँ पर नहीं था, किसका मैनेजर नंबर नहीं था, एम्प्लॉय का मैनेजर नंबर नहीं था. तो जिस तरफ हमारे पास कमी है हम वहां पर डाल देंगे. तो देखो अब मैं इसे रन करूंगी तो इंस्टेड ऑफ दिस आई मीन यहाँ पर भी मैंने एम्प्लॉय का नाम ही लिखा है. चलो इस क्वेरी को छोड़ के मैं यहीं पे इसको एडिट कर देती हूँ. दैट मीन्स आई एम गोइंग टू राइट हियर द प्लस सिंबल. And put this operator in the simple parenthesis. तो यहाँ पर हमने लिखा, अब इसी को मैं फिर से रन कर देती हूँ क्योंकि यहाँ पे alias नाम लिखा हुआ था तो इस वजह से डिस्प्ले हो जाएगा. अब आप देखो यहाँ पे 14 records आ गया. Even last में देखो king का डिस्प्ले हो रहा है बट king के manager number ही है. जब उसका कोई boss ही नहीं तो उसका manager number नहीं है ना ही उसका नाम है. तो दिस इज द वे यू कैन यूज द आउटर ज्वाइन. आउटर ज्वाइन इज यूज टू डिस्प्ले द रिकॉर्ड विच इज अ मैचिंग एंड विच इज नॉट मैचिंग. इट विल डिस्प्ले बोथ द थिंग्स. तो दैट इज द रीजन वी आर गोइंग टू यूज दिस आउटर ज्वाइन. एंड आउटर ज्वाइन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एज कम्पेयर टू दीज थ्री. नाउ सिमिलरली अगर यहां पर एक और क्वेश्चन है मेरे पास, यहां दिस वन की दिस आई विल रन हियर व्हाट इट विल डिस्प्ले. आपने अगर ध्यान दिया हो तो मैंने यहां पर जो लास्ट में कराया था कि डिस्प्ले द डिपार्टमेंट नेम और एम्प्लॉय नेम. ठीक, इफ आई एम नॉट यूजिंग दिस प्लस सिंबल व्हाट इट विल डिस्प्ले. सी दिस, यहाँ अकाउंटिंग डिपार्टमेंट, रिसर्च डिपार्टमेंट एंड सेल्स डिपार्टमेंट. बट देयर इज अ वन मोर डिपार्टमेंट विच इज अ ऑपरेशन डिपार्टमेंट. बिकॉज ऑपरेशन डिपार्टमेंट में कोई इंप्लॉय काम नहीं कर रहा है. आई मीन देयर इज अ नो मैचिंग रिकॉर्ड फॉर द ऑपरेशन डिपार्टमेंट. तो इसलिए उसका नाम डिस्प्ले नहीं करा रहा. इफ यू वॉन्ट टू डिस्प्ले दैट रिकॉर्ड ऑल्सो कि मैच करे या ना करे देन यूज हियर प्लस ऑपरेटर. प्लस ऑपरेटर वहां यूज करेंगे जहां पर डेटा हमारा कम है. तो एम्प्लॉय टेबल में डिपार्टमेंट नंबर में कोई भी आदमी वहां काम नहीं कर रहा तो यहाँ पे मैंने प्लस लगाया. नाउ रन दिस, सीधा आउटपुट यहाँ ऑपरेशन डिपार्टमेंट नाम डिस्प्ले हो रहा है बट यहाँ कोई एम्प्लॉय नहीं तो उसके सामने डैश आ रहा. तो इंस्टेड ऑफ दिस प्लस ऑपरेटर यू कैन यूज हियर द लेफ्ट आउटर ज्वाइन, राइट आउटर ज्वाइन एंड फुल आउटर ज्वाइन. थ्री कीवर्ड्स यहाँ पर यूज होंगे. द फर्स्ट वन इज द, यहाँ पे जो आउटर कीवर्ड है ये ऑप्शनल है. आप चाहें तो लेफ्ट ज्वाइन कीवर्ड इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर आप ले. तो यहाँ पे सिंटेक्स है कि सेलेक्ट सेम चीज है, इंस्टेड ऑफ दिस
आप यहाँ पे जैसे हमने पीछे वाले में किया था ज्वाइन के लिए, तो हम क्या लिखेंगे, डी नेम ई नेम फ्रॉम ईएमपी ई, अब यहाँ पे कॉमा की जगह अब हम लिखेंगे यहाँ पे लेफ्ट आउटर ज्वाइन एंड डीपीटी का डी रहने दिया एंड देन दिस सिंबल विल बी रिमूव्ड। आपको अब ये सिंबल का इस्तेमाल नहीं करना होगा, वेयर का इस्तेमाल नहीं करना होगा, ऑन कीवर्ड का इस्तेमाल करना होगा एंड देन राइट दिस। तो आप देखिए यहां पर ये आ गया। अब देखो यहाँ पे क्या आया, 14 आया। अगेन यहाँ पर आप देख रहे हो अकाउंटिंग रिसर्च एंड सेल्स ने ऑपरेशन नहीं आया, क्योंकि हमने यहाँ पे क्या किया है, लेफ्ट आउटर ज्वाइन इस्तेमाल किया है। तो लेफ्ट आउटर ज्वाइन इस्तेमाल किया तो पहली टेबल मेरी क्या है, यहाँ पर इम्प्लॉय टेबल है, दूसरी टेबल क्या है, डिपार्टमेंट। तो लेफ्ट में जितना भी डेटा है उसका मैचिंग नॉन मैचिंग, और राइट का केवल मैचिंग डेटा दिखाएगा। तो राइट में हमारे पास क्या है, एक्चुअली मैंने यहाँ डिपार्टमेंट नेम पहले लिख रखा है इसलिए आपको कंफ्यूजन होगा। आई विल राइट अगेन कॉमा दिस डी डॉट डी नेम। तो यहाँ पे एम्प्लॉय तो सारा आएगा लेकिन डिपार्टमेंट का जो यहाँ पे मैच नहीं कर रहा उसे नहीं दिखाई देगा। तो लेफ्ट राइट में हमारा डिपार्टमेंट है, अगर मैं यहाँ लेफ्ट की जगह राइट वर्ड की यूज करूं तो आप देखेंगे कि ये डिस्प्ले करा देगा डिपार्टमेंट नाम को। ये देखिए ऑपरेशन डिपार्टमेंट आ गया, जो पहले काम किया था प्लस ऑपरेटर के साथ। अभी हम ऑपरेटर वो सिंबल हटा के यहाँ कीवर्ड्स का इस्तेमाल करेंगे, राइट आउटर ज्वाइन लेफ्ट आउटर ज्वाइन कीवर्ड का इस्तेमाल। इवन आउटर इज अ ऑप्शनल हियर, आउटर आप हटा सकते हो तो भी ये काम करेगा यहाँ पे। अब एक नया कीवर्ड है इसमें लेफ्ट राइट मैंने बता दिया, आप यहाँ पे फुल कर सकते हो, फुल कीवर्ड करोगे तो ये दोनों टेबल में से फुल आउटर का मतलब लेफ्ट राइट दोनों में से जो भी होगा सबको ये दिखाएगा, मैच करे या ना करे दोनों का डेटा दिखाएगा। देखिए ऑपरेशन डिपार्टमेंट भी आ गया, तो अगर इम्प्लॉय का कुछ डेटा कम होगा तो भी अगर, तो आप फुल आउटर ज्वाइन कीवर्ड यूज सकते हो या फिर फुल ज्वाइन कर सकते हो। तो फुल आउटर ज्वाइन का मतलब है कि इट डिस्प्ले द डेटा विच इज अ मैचिंग एंड विच इज अ नॉट मैचिंग, बोथ द थिंग्स। आप देख सकते हो राइट का मतलब है कि राइट टेबल का पूरा कंटेंट होगा, लेफ्ट का केवल आपको जो मैचिंग होगा वो वाला पार्ट। इसी तरह से फुल आउटर ज्वाइन में दोनों टेबल का दिस 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 कंप्लीट, कॉमन वाला नॉन कॉमन भी होगा वो भी डिस्प्ले होगा। तो दिस इज द फुल कॉन्सेप्ट ऑफ द ज्वाइन कंडीशन। दैट मीन्स हमने पढ़ा इनर ज्वाइन, आउटर ज्वाइन, सेल्फ ज्वाइन, नॉन इक्वी ज्वाइन, इक्वी ज्वाइन, ये सारा कॉन्सेप्ट जितने भी टाइप्स के हो सकते हैं वो सारे ज्वाइन कंडीशन में हमने यहाँ पर देखा।